नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाय फ्रेंड्स, आई एम हरविंदर सिंह गरेवाल, ऑनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है। हम इस अक्टूबर 22 को हमारा 1 ईयर कंप्लीट होगा इस चैनल का, जो मेरा शो का है। तो हम छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा, तो आप सबको इन्वाइट है, मोस्ट वेलकम। जो भी आना चाहते हैं तो हमारे जो फेसबुक पेज पर है, वहाँ पर आप गोइंग या इन्विटेशन का जो भी है अपना एक लिंक जो हमने ऑप्शन दिया हुआ, तो हमें जरूर लेट अस नो कि कितने मेरे फ्रेंड सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जितना हम बन पड़ेगा अपना अरेंजमेंट करेंगे। तो प्लीज़ माई फ्रेंड, वेलकम, मोस्ट वेलकम इन माई छोटी सी शॉप में, छोटे से फार्म में, मोस्ट वेलकम। हाई फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हार्नेस, डॉग हार्नेस या डॉग चेस्ट बेल्ट, अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका इम्पोर्टेंट ये है कि मोस्टली आजकल जो ब्रीडें हम घर में पाल रहे हैं, वो मोस्टली लार्ज या मीडियम ब्रीडें हैं। तो अगर हम इसको हार्नेस शुरू से ही यूज़ थ्रू करते हैं डॉग को, तो फिर वो जब हम घुमाते हैं उसको, वॉक पर लेकर जाते हैं, जहाँ हमारे घर में, एक तो वो दिखने में हमारा डॉग बहुत बढ़िया लगता है, लुक्स वाइज गुड। सेकेंड, वो कंफर्टेबल रहेगा। कुछ कंट्रियों में लॉ है कि आप डॉग को कॉलर नहीं डाल सकते या चोक चेन नहीं डाल सकते। हमारे भी इंडिया में भी लॉ ये बन गया लगभग कि चोक चेन इज बैन। तो उससे डॉग का गला में जैसे कि घुटन होती है, टाइट हो जाता है, तो डॉग के लिए वो हार्मफुल है। लेकिन चेस्ट बेल्ट इज़ वेरी गुड। एक तो डॉग का लुक्स बहुत बढ़िया बनता है, दूसरा हम डॉग भी कंफर्टेबल रहता है और हम भी उसको ईजी टू मैनेज कर सकते हैं। एक हैवी बोन, मान लीजिए रॉटवाइलर या अमेरिकन बुली डॉग को भी अगर हार्नेस पहनाई जाए, तो हम इजी से उसको कंट्रोल कर लेंगे, चाहे सर्दियों का मौसम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हार्नेस कब यूज़ करनी चाहिए। ये मेरे पास हार्नेस है, बिल्कुल पप्पी हार्नेस हम इसको बोल सकते हैं। ये छोटा साइज़ है, ये फीमेल अगर आपके पास है तो पिंक कलर की हार्नेस आप ले सकते हो, अगर मेल है तो आप ब्लू या अलग अलग कलर में हार्नेस आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। ये डॉग को पहनाने में भी आसान है। एक छोटी सी बेल लगी हुई है यहाँ पर, जो आप पपी से मोस्टली होता है, ताकि हमें डिटेक्ट हो कि हमारा पपी किस सोफे के पीछे या बेड के नीचे या और कहीं जगह पर छुपा हुआ तो नहीं। ये लगभग आप डॉग को 40-45 दिन पर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है। और पग, पेकनीज, छोटी ब्रीडों में, लासा, एप्सो, सब में ये यूज़ की जाते हैं। पग में तो आप शायद रेस्ट ऑफ लाइफ इसको यूज़ करो, अगर प्रॉपर बॉडी वेट उसका मेंटेन रखो। तो इसके बाद सेकंड, जब डॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लगभग 3 महीने के आसपास, तब आप ये साइज़ यूज़ कर सकते हो। ये भी एडजस्टेबल साइज़ है, ये भी छोटा बड़ा हो जाता है, यहाँ से लेकर लगभग आपको बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा। ये मोस्टली रॉटवाइलर, ग्रेडन, जो जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, लॉग लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, उन पर ये मैनेजेबल है। ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है, अंदर इसके लेदर लगी हुई होती है, जहाँ फिर कोई हार्ड स्टॉल होगा। अगर आप शुरू से ही स्टार्ट करोगे इस चीज़ से, तो डॉग को यूज़ थ्रू करने में मुश्किल नहीं होगा हार्नेस, इससे बहुत डॉग कंफर्टेबल रहेगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स ये मानते हैं कि अगर हम हार्नेस यूज़ करते हैं तो उसकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, चेस नहीं बनेगी। ये बिल्कुल गलत है, इससे ज़्यादा बेटर तरीके से चेस बनेगी और डॉग भी कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप बेबी चेस्ट बेल्ट नहीं यूज़ करते, सीधा 3 या 4 महीने के आसपास आकर बेल्ट यूज़ करते हैं, तो उसका ये है कि डॉग फिर इसको काट देगा। जब आप थोड़ा सा पहना कर इधर उधर जाओगे, आँख पर जाकर, वो इसको काट देगा। तो लगभग 100-150 रुपए की आती है, 200 की, तो आपका वो 200 डिस्ट्रॉय विद इन 5 मिनट्स। तो बी केयरफुल, जब भी आप डॉग को यूज़ थ्रू करो तो बेबी हार्नेस से ही यूज़ करो। इसके बबाद नेक्स्ट, जब डॉग लगभग कुछ 7-8 महीने के आसपास का हो जाए, तो आप ये साइज़ यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको हर एक कलर, हर एक वैरायटी, हर एक चीज़ में आपको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा, उससे बड़ा साइज़ है। अगर आपके पास बहुत लार्ज ब्रीड डॉग है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तानी बुली है या इससे भी बड़े डॉग हैं, तो उसके लिए ये आता है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, ये लार्ज ब्रीड, उससे भी बड़ी ब्रीडों के लिए ये यहाँ तक लगभग ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो प्लीज़ आप हार्नेस की इम्पॉर्टेंस को समझिए और ये यूज़ कीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ फ्यूचर। फ्यूचर में हर एक डॉग को लगभग 90% हार्नेस ही होगी। और हम अगर हम अपने डॉग को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, जितना हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अगर बाइक भी हम चला रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी सीट कंफर्टेबल हो, कार भी चला रहे हैं, तो डॉग को भी जब कंफर्टेबल जोन के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। खान पान, पहनाना उसका क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग उसको क्या चाहिए,
खाने में, पहनाने में और इवन एक्सेसरी में। तो प्लीज माय फ्रेंड, ये आप यूज कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और एक और बात, मोस्टली जो लार्ज ब्रीड बड़ी ब्रीडें हैं उनके लिए ये कुछ अलग टाइप का कोई हार्नेस आता है, इसमें शॉकर लगा हुआ होता है। तो कुछ हमारे जब वो कुछ सीनियर सिटीजन या कोई और मेरा छोटा फ्रेंड्स जो सब्सक्राइबर एज में अराउंड 20s के हैं, तो अगर आप वॉक पर डॉग को लेकर जाओगे मोस्टली विंटर टाइम, तो सडनली अगर डॉग आपको पुल करेगा ना, तो सर्दियों में कभी कभी हो जाता है कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, पेन होनी शुरू हो जाती है अगर आप लार्ज ब्रीड घुमा रहे हो। तो अगर इस तरह की आप हार्नेस यूज करोगे, सॉरी लीश यूज करोगे, तो इसमें शॉकर है, एक कंफर्टेबल आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि डॉग अगर सडनली भी आपको पुल करेगा आप गिरोगे नहीं, और इजी टू कंट्रोल और मैनेजेबल रहेगा। ये आपके सेहत के लिए, आपके बॉडी के लिए भी बेहद जरूरी है। आप डॉग की हर साल नई नई चीजें, नई नए बाउल्स या नए नए खाने खान पान, इन सब चीज़ों पर आप जरूर ध्यान कीजिए। हर साल कोई नई की डॉग की एक्सेसरी आती रहती है, तो प्लीज़ मैं तो आपको अपडेट करता ही रहूँगा, लेकिन आप खुद भी जरूर मेरा वीडियो देखिए। आप खुद भी कुछ बताना चाहते हो, मुझे गाइड करना चाहते हो, या जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, आई लव टू विल हेयर यू। प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, एंड प्लीज़ ये हार्नेस जरूर ट्राई कीजिए, आपका डॉग कंफर्टेबल रहेगा, आपको वॉक करानी लेडीज़ को भी गर्ल्स को भी वॉक पर लेकर जाना बहुत आसान होगा अगर आप डॉग हार्नेस यूज़ करते हो। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, ये छोटे से टिप्स हैं, आपको होप सो पसंद आएंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। वी गेट टुडे फर्स्ट स्पॉन्सर ऑफ चैनल मिस्टर गुरमीत सिंह जी। इन्होंने एक बहुत ही गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया है, जैसे आप घर बैठे अपने सोफे कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टीवी का चैनल स्विच वगैरह ऑन ऑफ टीवी कर सकते हो। माय फ्रेंड्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसा बनाया है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन सोफे में बैठे अपने रूम का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लाइक फैन, लाइट्स ऑफ या रेगुलेटर हवा ज़्यादा कम कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये आपको देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरमीत है और मैंने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है लकी स्विच। इसमें आप क्या कर सकते हो कि इससे आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, फैन उसको रेगुलेट कर सकते हो, और सॉकेट होता है जो हमारे स्विच बोर्ड में होता है उसमें अगर आपने कूलर लगा दिया है, कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर दिया, कुछ भी लगा दिया, आपने मोबाइल चार्जर लगा दिया, उसको आप टाइमर के साथ आप ऑन ऑफ उसको कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में अच्छी और जानकारी चाहिए तो मेरी खुद की वेबसाइट है जो नीचे आ रही होगी www.luckyswitch.com, और ये इसका जो प्राइस है 1199 है, ये काफ़ी चीपेस्ट है। अगर आप मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट अगर आपने ऐसे देखे होंगे इंटरनेट पे, तो ये काफ़ी दो गुना तीन गुना काफ़ी सस्ता है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर ये ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी ही होगी आपको, आप कहीं से भी अगर जहाँ भी बैठे हैं इंडिया में आपको ये फ्री डिलीवरी होगी। थैंक यू। मैनी 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 थैंक्स फ्रेंड्स, वी अचीव टुडे, वी गेट अ फर्स्ट स्पॉन्सर, तो थैंक यू वेरी मच। ये सब आपकी और भगवान की कृपा से हुआ है। आपकी कोई शॉप कंपनी ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी सर्विस है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, आप हमारे स्पॉन्सर बनना चाहते हो, तो ये नीचे दिया हुआ ईमेल आईडी है, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, अपना फ़ोन नंबर अपनी डिटेल वगैरह सेंड कीजिए। वी विल लव टू कांटेक्ट विद यू। थैंक यू माय फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप जैसे जानते ही हैं फैन ऑफ द मंथ कॉम्पिटिशन में जो सबसे ज़्यादा हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर सबसे ज़्यादा शेयर करेगा या ट्विटर पर रीट्वीट करेगा हमारी वीडियो ज़्यादा, और थर्ड जो फर्स्ट कमेंट होगा, कुछ भी कमेंट हो, जो पहला कमेंट होगा हमारी वीडियो पर, हम तीन विनर अगस्त महीने में तीनों फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा करेंगे उनको हम 500 का गिफ्ट वाउचर देंगे अमेज़ॉन की तरफ से। तो थैंक यू माय फ्रेंड। तो मेरा ऐप भी है जैसे आप सब जानते हो, तो प्लीज़ माय फ्रेंड, भगवान ना करे आपके डॉग कभी बीमार हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, 90% अगर ऐसा कुछ ना भगवान ना करे कुछ हो, तो मेरी वीडियो है। प्लीज़ सर, आप एक बार मुझे कॉल या व्हाट्सअप करने से पहले एक बार मेरे ऐप में वो वीडियो सर्च कीजिए, 90% आपको डॉग के रिलेटेड प्रॉब्लम का वीडियो वहां पर मिल जाएगा और दवाई और समाधान भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ डाउनलोड माय ऐप एंड वॉच माय वीडियो। अभी तो उसका एक और फ़ायदा भी है, हम 24 आवर्स पहले ही मेरी वीडियो ऐप जिन मेरे फ्रेंड ऐप डाउनलोड किया है उनको पहले ही मिल जाएगी, जो यूट्यूबर यूज़र से, जो
जो एमएटू हमारी वीडियो 24 आवर्स पहले ही प्ले होनी शुरू हो जाती है। ये जो कंपटीशन है ये वही एलिजिबल है मेरे फ्रेंड्स सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा पेज मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ माय फ्रेंड अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल वाला ऑप्शन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाए और आप जल्दी से कमेंट कर पाओ। तो प्लीज़ माय फ्रेंड मेरे ऐप में ऑनलाइन बाइंग सेक्शन भी है, आप अपने डॉग के रिलेटेड कोई भी सामान फूड सप्लीमेंट एवरीथिंग इन देयर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, हम आपके घर में होम डिलीवरी कर देंगे। तो प्लीज़ माय फ्रेंड थैंक यू वेरी मच।